उर्दुन के किंग अब्दुल्ला दोएम ने गाजा के खराब होते हुए हालात पर मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और फलस्तीनी लीडर महमूद अब्बास भी शामिल रहेंगे। मीटिंग में गाजा जंग के बढ़ते दायरे, जंगबंदी के लिए दबाव बनाने और बे रोक टोक इमदादी सामान पहुँचाने पर बात की जाएगी। ये बातचीत वेस्ट बैंक के हालात पर भी मबनी होगी, जिस पर 1967 से इसराइल का कब्जा है। इससे पहले किंग अब्दुल्ला ने इतवार को अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ एक मीटिंग में अमेरिका से इसराइल पर फौरन जंगबंदी के लिए दबाव डालने और गाजा जंग की वजह से आए इंसानी बहरान को खत्म करने की भी अपील की। किंग अब्दुल्ला ने ब्लिंकन को गाजा के खिलाफ बेरहमी जारी रखने के तबाहकुन नतायज के खिलाफ वार्निंग भी दी थी, जो वहां इंसानी बहरान को खत्म करने के लिए जरूरी है। मंगलवार को तेल अवीव में ब्लिंकन ने इसराइल से जंग में फलस्तीनी शहरियों की जान बख्शने की भी अपील की। लगातार कोशिशें यहां पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन किसी भी कोशिश का नतीजा यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। तमाम तरह कोशिशें फेल होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। हालांकि कतर की सालिसी के बाद सीज फायर देखने को मिला था, लेकिन अब मिस्र की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, जिसका नतीजा सामने नहीं आ पा रहा है। और अब उर्दून की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई है, उसके बाद क्या कुछ पेशरफ्त सामने आती है, वो भी देखना बेहद अहम होगा। इससे पहले कई और जगहों से कोशिशें देखने को मिली हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल शाना बशाना इसराइल के खड़ा हुआ है और इसराइल का दौरा भी अमेरिका के तमाम तरफ की तरफ से किया जा रहा है। और एंटनी ब्लिंकन ने भी दौरा करके ये वाजे किया है कि वो इंसानी जो मौतें हो रही हैं, हलाकत हो रही है, उसके खिलाफ है। आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पर उठी है, लेकिन दूसरे अल्फाज में ये भी वाजे कर दिया है कि अमेरिका इसराइल की मदद करता रहेगा। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं, हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहला रिएक्शन आपसे यही चाहूंगी, जो मीटिंग बुलाई गई है उर्दुन में, क्या उससे कोई उम्मीद की जा सकती है इस जंग के हवाले से, जंगबंदी को लेकर? ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस तरह से इसराइल अटैक कर रहा है, जिस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है फिलिस्तीनियों को, कहीं कहीं इन दोनों कंट्रियों को डर भी, क्योंकि देखिए इमीडिएट नेबर्स हैं दोनों। और अगर ये लोग जो भी फिलिस्तीनी लोग हैं, अगर अपना मुल्क छोड़ के जाएंगे, तो या तो वो तो उर्दन में जाएंगे या जो है मिस्र में जाएंगे। तो इनको एक खदशा भी है कि आगे आने वाले दिनों में हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे जो है, आप देखें इनके रिलेशन भी जो है इसराइल से इनडायरेक्टली बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि जो उर्दन के शाह हैं उनके अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। जनरल सीसी के भी अच्छे रिलेशन रहे हैं, अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन इनडायरेक्टली आप देखें तो उनकी आवाम जो है कहीं ना कहीं जो है आवाम खुश नहीं है हुक्मरानों से, जिस तरह से अप्रोच रही है अरबों की, अरब जो हुक्मरान ज्यादातर जो रहे हैं, तो इनके ऊपर एक प्रेशर भी है। और दूसरी चीज है ये भी है कि इसका एस्केलेशन भी हो सकता है इस वार का, जिस तरह से आम शहरियों पे अटैक हो रहा है, जिस तरह से आम शहरी मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन हो रहा है, खासतौर से अरब जो अरब मुल्क हैं वहाँ की आवाम में भी उसका, क्योंकि ज्यादातर देखिए अरब में जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस तरह की बातें नहीं होती हैं कि मुजाहरा कर सकें या डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोशल मीडिया का टाइम है, आप अवेयरनेस भी लोगों को बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले, तो कहीं कहीं हुक्मरानों को भी ये मैसेज आता रहता है कि कुछ इस पे किया जाए। तो जिस तरह से छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, रिफ्यूजी कैंप्स पे अटैक्स हो रहे हैं, तो ये जरूर ये मुल्क चाह रहे होंगे कुछ पीस लाई जाए, क्योंकि अमेरिका से इनके बहुत क्लोज रिलेशन है। तो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा जरूर इस पे कुछ कुछ नया रिजोल्यूशन लाना होगा, तभी जाके जो है ना कुछ जो है जो स्टेबिलिटी आ सकती है इस पूरे एरिया में, नहीं तो कहीं एस्केलेशन हुआ वार का तो फिर तबाही की तरफ जो है पूरा रीजन चला जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद शहजाद साहब, जिस तरह से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और जब इतवार को किंग अब्दुल्ला ने अमेरिकी वजीर खारजा से बातचीत की और कहा कि इसराइल पर दबाव बनाया जाए क्योंकि अमेरिका शाना बशाना खड़ा है, लेकिन अब एंटनी ब्लिंकन जब इसराइल पहुंचे, वहां पर उन्होंने कहा तो इसराइल को, लेकिन आखिर में ये भी वाजे कर दिया कि अमेरिका पूरी तरह से इसराइल के साथ है, तो ये किस तरह का रवैया सामने आ रहा है? क्या सिर्फ दिखावा करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है? देखिए, अमेरिका की हमेशा डुअल पॉलिसी रही है इसराइल और अरब और इसराइल को लेके। एक तरफ तो जरूर कहता है कि वहाँ पीस होना चाहिए, फिलिस्तीनियों का एक मुल्क होना चाहिए, लेकिन कभी भी उसने कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया उस पर। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहूदी बस्तियां बसाई गई और जो इलीगली बसाई गई, उस पर अमेरिका
कभी भी खुल के जो हमेशा इसराइल का खुल के उसने सपोर्ट किया। अगर कोई भी रिजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशंस में, हमेशा वीटो अमेरिका कर देता है। तो अमेरिका ये देखिए एक चीज और है, अमेरिका एक चीज और देख रहा है कि अगर हमें जो है बरवक्त जो अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर मुझे अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है इस पूरे अरब रीजन में, जिस तरह से रशिया और चाइना जो है अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट को जिस तरह फुलफिल करने की कोशिश कर रहा, अरब कंट्रीज में उनकी तरफ जो रुझान बढ़ा है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ये वार अगर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर कुछ रेजोल्यूशन, तो अमेरिका ये सोच रहा है कि शायद मेरा भी इंटरेस्ट शायद कमजोर हो जाए। तो अमेरिका इंडायरेक्टली चाह रहा है कि वो थ्रेट एक दे रहा है अरबों को कि मेरे बगैर जो है यहाँ पे पीस नहीं आ सकती, और जो है तो एक तरह से वो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है इसराइल के थ्रू एक इंडायरेक्टली वो थ्रेट भी कर रहा है अरबों को, जो अरब कंट्रीज को।